कल हमारा परिक्रमा, हम रुके थे सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर। और जैसे हम सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर से आगे जाते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर आता है, और उस मंदिर में ये एक्चुअली जो लक्ष्मी नारायण का जो विग्रह है वे उत्सव विग्रह है श्री गोवर्धन जी, इस गोवर्धन पर्वत का। और ये लक्ष्मी नारायण जो विग्रह है वे श्री संप्रदाय या रामानुजाचार्य संप्रदाय और जी हलवार है। तो जैसे कि रामानुजा संप्रदाय में और श्री संप्रदाय में 108 दिव्य देशम्स होते हैं, अनेक अनेक स्थान। तो इस ये एक जो गोवर्धन में जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है वो एक दिव्य, हाँ 108 में से एक दिव्य देशम है। और सभी जो श्री वैष्णव के जो भक्त है वे जो इस संप्रदाय से जुड़े हुए वे इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि ये उनकी उनका एक विधि है कि इस मंदिर में जाए। तो जैसे थोड़ा आगे जाते हैं तो गोवर्धन की शिखर के ऊपर ऊपर जो है ये कृष्ण वेदी है एक्चुअली, जहाँ पे हम जानते हैं भगवान जो है गोपियों के साथ अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, और खास करके मोह गोविंद गोवर्धन में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो गोवर्धन के ऊपर एक स्थान था जहाँ पे गोपियाँ अक्सर वहाँ मथुरा जाने के लिए उस गोवर्धन से गुजरकर ऊपर से वे जो है एक छोटी सी साखरी गली है, छोटा सा रास्ता छोटा है। तो भगवान जब देखते थे कि गोपियाँ अपना दूध वगैरह मटकी लेके आते हैं तो वे जो है ऊपर गोवर्धन के ऊपर रुकते थे अपने ग्वाल बालों के साथ सुबर और मधुमंगल, और इस प्रकार से वे जो है उनको वहाँ पे रोकते थे और उनको कहते कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा या कर भरना पड़ेगा। तो और गोपियाँ कहती नहीं हम क्यों करें, हम तो नहीं करेंगे। इस प्रकार से उनके बीच में इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स होते थे, और भगवान तो और उनके जो ग्वाल बाल सखाए थे उनको तो जाने नहीं देते, तो उनको थोड़ा दूध उनको दे देना पड़ता था। इस प्रकार से ये लीलाएं हमेशा होती रहती थी, लेकिन योग माया के प्रभाव से जो है गोपियाँ ये सब भूल जाती थी। और ये पूरा जो लीलाएं हैं ये सनातन गोस्वामी ने एक सुंदर पुस्तक बनाई है जिसको कहते हैं दान के लिए कौमुदी। तो इस दान के लिए कौमुदी में ये सब जो दान ये दान या ये भगवान किस प्रकार, तो ये दान घाटी आती है। तो ये दान घाटी एक अच्छी अच्छा स्थान है, और वहाँ पे हम मतलब ये गिविन द शेयर यस माता जी, आई हैव हाँ, तो ये दान घाटी है, यहाँ हम देख रहे हैं। और आगे फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे शिला के ऊपर श्रीमती राधा रानी का के चरण चिन्ह हम देख सकते हैं। और यात्री जब जो भी गोवर्धन परिक्रमा करते हैं वो शिला को परिक्रमा भी करते हैं, और उनको दूध वगैरह फूल वगैरह चढ़ाते हैं। कहा गया कि एक जो राइट साइड पे भगवान श्री कृष्ण का चरण है और लेफ्ट में राधा रानी का है, ये बहुत अच्छा स्थान है। और ऊपर गोवर्धन के ऊपर ये मंदिर है दानी राय, दानी राय जो ये
दानी मतलब जो कर भगवान लेते थे, राय मतलब भगवान का नाम है दानी राय मंदिर। ये सुंदर ऊपर है जो ब्रजनाथ जी ने स्थापित किया था, जो भगवान श्री कृष्ण के सपुत्र थे। और पर अभी यहाँ पे एक्चुअली कुछ ऐसी सेवा नहीं हो रही है, लेकिन ये स्थान हम देख सकते हैं। तो आगे थोड़े चल के जाएंगे तो इस्कॉन का एक सुंदर स्थान है, मंदिर जगह थी जो जहाँ पे इस्कॉन का आश्रम है। और इस जो स्थान था, पहले एक बड़ा महल था जो छतरपुर के राजा, जो मध्य प्रदेश के हैं, वे जब यहाँ बीच में आते थे, गोवर्धन में रहते थे, तो इस जगह में रहते थे। और उन्होंने इस जगह को, इस्कॉन को दे दिया ताकि उसको डेवलप हो जाए। और ये बहुत सुंदर स्थान, अभी मुझे वहाँ के फोटो नहीं है, लेकिन ये पुराना जब पहले था, ये उनका पैलेस था वहाँ पे गोवर्धन में। और महाराजा छतरपुर के जो महाराजा थे, वे भगवान श्री कृष्ण का की पूजा करते थे गोवर्धन शिला के रूप में। और वे ही गोवर्धन शिला अभी भी है। और भक्त जो हमारे इस्कॉन के भक्त हैं, वे उनकी सेवा अभी भी जारी है। और जब वे एक क्या कहते हैं, वेल या पानी के लिए कुएं खोद रहे थे, तब जब उन्होंने कुआं खोद रहे थे, तो वहां से उनको एक गोवर्धन शिला प्राप्त। और वो ऐसे ही थी जैसे यहाँ देख रहे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की, विराट जी की थी, कृष्ण की जैसे ही वो शिला थी, पर वो सफेद थी, वो सफेद कलर की। तो ये बलराम जी है। तो इस प्रकार से कृष्ण बलराम, यहाँ पे हम अगर इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे, बहुत सुंदर जगह है वो, आश्रम है और ऊपर मंदिर है, और उसमें कृष्ण बलराम की जो शिला है वहाँ पे हम देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर। तो आगे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पे ये दान निर्वंतना, दान निर्वंतना कुंड आता है। और यहाँ पे भी भगवान ने गोपियों को रोकने की कोशिश की, और हमेशा वे जो है उनसे कर मांगने के लिए उनको इस प्रकार से लीला करते थे। और एक बार राष्ट्रीमती राधा रानी और सब गोपियाँ जो हैं राधा कुंड में थे, और उनको श्रीमती राधा रानी का एक तोता है, वैसे हम जानते हैं सुखा वो तोता है, और बहुत सारे तोते हैं, वृंदा देवी के भी तोते हैं और भगवान श्री कृष्ण के भी तो प्रिय तोता है। तो श्रीमती राधा रानी और ये तोते जो है ना, पूरे ब्रज में घूमते हैं और मैसेज जो भी जहाँ कहाँ क्या चल रहा है, वे जो है भगवान श्री कृष्ण को और श्रीमती राधा रानी को बताते थे, और वृंदा देवी भी। जैसे कि सुबह सुबह वृंदा देवी सब प्लानिंग करती है, वृंदा कुंड में सब प्लानिंग होता है, और हजारों तोते, अभी भी अगर हम जाएं वृंदा कुंड में, हम देखेंगे सुबह सुबह बहुत सारे तोते होते हैं वहाँ पे, और वृंदा देवी की हजारे आसार ऐसे तोते हैं जो सब ब्रज में, पूरे ब्रज में जाते हैं, और सब गोपियों और कृष्ण और राधा का कहाँ कहाँ लीला होने वाला है आज, तो
सब प्लानिंग होता है, कौन से वन में जाएंगे, कौन से कुंज में रहेंगे, कौन सी लीला होगी, कौन सा ड्रामा होगा, कौन सा ड्रेस होगा, कौन से वस्त्र भगवान श्रृंगार कैसे किया जाए, कैसी फूल माला बनेगी, सब जो प्लानिंग वृंदा कुंड में होती है, वृंदा देवी द्वारा प्लान किया जाता है। इस प्रकार से राधा रानी के जो प्रिय तोता है उसने राधा रानी को बताया कि गोविंद कुंड में एक बड़ा जो है यज्ञ होने जा रहा है। तो जब उन्होंने सुना तो श्रीमती राधा रानी और उनकी सभी जो सखियां हैं वो गोविंद कुंड की ओर अपने आप को अच्छे से सजा के गोविंद कुंड की ओर जाने लग गई। और उनके हाथ में अच्छे जो सोने के बनाए हुए मटकियां थी जिसमें बहुत दूध था, और वे अपने सिर के ऊपर पकड़ के जा रही थी। और भगवान का भी तोता था, भगवान का भी तोते ने बताया कि अभी राधा रानी वहां जा रही है गोविंद कुंड की ओर। तो जब भगवान और सभी गोपियों के साथ वो गोविंद कुंड की ओर जा रही है, तो भगवान ने भी चलो हम भी जाते हैं, और सभी जो बाल बालों के साथ भगवान वहाँ पे पहुँच गए। और जब श्रीमती राधा रानी वहाँ आई तो कृष्ण ने उनको रोका, कहाँ जा रहे हो, यहाँ से नहीं जा सकते हो, यहाँ से आपको कर भरना पड़ेगा। आज भी जब भी हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो टोल टैक्स भरना ही पड़ता है, तो टोल टैक्स तो भगवान ने शुरू किया है कि यहाँ रास्ते जाना है तो टोल टैक्स भरो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। हाँ, तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप लोग, भगवान ने उनको कहा आप लोग चोर हैं, आप लोग ये रास्ता हमेशा यूज करते हो और टैक्स नहीं भरते हो। हाँ, आप लोग जाके अब सब ये बेचते हो वहाँ पे और मथुरा जाके और इतना मुनाफा प्राप्त करते हो और भरते नहीं हो, तो भरना पड़ेगा। और इस प्रकार से बहुत सारा जो तर्क वितर्क और आर्ग्यूमेंट्स होते थे दोनों के बीच में। भगवान तो बहुत चतुर है, भगवान जानते हैं किस प्रकार से उनकी वाणी बहुत ही अच्छी है, वे जो है बहुत अच्छी तरह से तर्क वितर्क कर सकते हैं। और जब भगवान ने इस प्रकार से भगवान राधा रानी को कहा कि आप लोग चोर है, राधा रानी के मेरे नजदीक मत आना, दूर रहो मेरे से, दूर रहो, नजदीक मत आना, और कोई भी कोशिश भी मत करना कि अम्मा हमको हाथ लगाए। हाँ, तो इस प्रकार से राधा रानी ने उनको कहा, तो एक क्या कहते हैं, मैं ना पेड़ के ऊपर बैठी थी और कृष्ण को कहा कि देखो ये तो बहुत क्रोधित होकर शब्द बहुत घमंडी लगी है, वो क्रोधित होकर बात कर रही है, तो इसके लिए उनको थोड़ा समझा के उनको जाने दो, पर जरूर उनके पास से तुम कर लेना जो चाहते हो ले लेना। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है। तो राधा रानी बहुत क्रोधित थी, तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, यज्ञ के लिए जा रहे हैं ना, ठीक है आप यज्ञ करके आओ, और फिर बाद में जब आप वापस आओगे तब आप ये टैक्स भर लेना, कर भर लेना, लेकिन उसके लिए आपको ललिता माता जी को यहाँ पे रोकना है ललिता ललिता यहाँ पे हमारी बंदी बनकर रही, नहीं तो मुझे पता है आप लोग आएंगे आप नहीं देंगे। तो ललिता को बंदी बनाकर तो राधा रानी को तो और भी गुस्सा आ गया और ललिता को भी बहुत गुस्सा आ गया। तो उन्होंने फिर भगवान को कहा ठीक है ना, ऐसे बात कर रहे हो, ललिता को यहाँ पे बंदी बना के रखना है, रुको अभी हम माता यशोदा को जाके बता रहे आप क्या कर रहे हैं।
अभी हम माता यशोदा को बताएंगे और श्रीमती राधा रानी की जो सास है उसको भी बताएंगे। तो जब भगवान ने माता यशोदा का नाम सुना तो बहुत डर गए और उन्होंने कहा ठीक है, तो आप जाओ जाओ करके। तो ऐसे हो गए और तो इस प्रकार से ये निर्वंतना मतलब वापस जाओ और फिर वापस आओ। तो जाके वापस आते हुए आप लोग टैक्स भरो। तो भगवान बहुत क्रोधित होके फिर राधा रानी और ये सब गए, गोविंद को यज्ञ किया और फिर वापस आने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी भगवान को अच्छा सबक सिखाना जरूरी है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है। तो फिर सब गोपियाँ ललिता विशाखा और सब जो सारी गोपियाँ थी बहुत सारी 100 100 से भी अधिक गोपियाँ सब वो जो वहाँ गए जहाँ पे भगवान रुके हुए थे। और सब जो काल बाल और भगवान जब वहाँ पहुँचे तो सब गोपियाँ जो है इन लोगों को झपड़ लिया, सब गोपियाँ ने सब ग्वाल बालों को झपड़ लिया और उनको ऐसे पीटा सब गोपियों ने भगवान और जितने भी ग्वाल बाल थे उनको ऐसे पीटा कि वे जो है उनको कहा अच्छा तो कर चाहिए। आपको पता है कि ये सारी भूमि श्रीमती राधा रानी की। राधा रानी जो है ये वृंदावन की रानी है और आपके जो गौवे हैं ये राधा रानी की भूमि में घास खा रही है, तो टैक्स कौन देगा? वो कौन चोर है? तो इसके लिए अभी आप लोग ने ये सब जो ये किया है और उन्होंने भगवान कृष्ण को पकड़ा और कहा कि अभी तुम उनके चरण में गिर जाओ, श्रीमती राधा रानी के चरण में गिरो और उनके क्षमा याचना मांगो, क्योंकि वे श्रीमती राधा रानी ये ब्रज की रानी हैं और ये पूरा ब्रज जो उनका है। तो इस प्रकार से ये लीला यहाँ पे ये दान निवर्तनक कुंड भी है वहां पे, सुंदर कुंड सुंदर लीला जो है रघुनाथ दास गोस्वामी में दान के लिए चिंतामणि में वर्णन किया गया किया है। तो ये अनेक अनेक स्थानों में ये लीला है। हमें आनंद हो रहा है कि हम सब बैठ के ये लीला की गोवर्धन परिक्रमा में हमें एक ही उद्देश्य रहता है कि कैसे खत्म करें, जल्दी जल्दी चल के पूरा कर परिक्रमा जल्दी से कंप्लीट करने का ही विचार रहता है मन में। और ये जो स्थान जो है उनका तो हम स्मरण ही कर नहीं पाते हैं, तो ये सुंदर ये यहाँ पे स्थान है। दूसरा आगे अगर जाएंगे तो अन्नकूट क्षेत्र आता है जहाँ पे भगवान का जब गोवर्धन पूजा हुई थी, ये दान निवर्तन कुंड के आगे अन्योर से दान निवर्तन कुंड से लेके अनियोर तक के पूरा जो क्षेत्र है उसको अन्नकूट क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पे वो अन्न मीन्स अन्न मतलब अन्न और कूट मतलब पहाड़, पहाड़ जितने जो है भोग अर्पण यहाँ पे हुए थे ग्वाल बालों और ब्रजवासियों के द्वारा जब भगवान ने इंद्र की पूजा रोकी थी और भगवान ने सब ब्रजवासियों को कहा कि नहीं इंद्र की पूजा करना जरूरत नहीं है, आप गोवर्धन की पूजा करें। और किस प्रकार से सुंदर लीला हुई जब भगवान सब जो ब्रजवासियों ने गोवर्धन की इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन पूजा शुरू की और फिर जो है सब जो ब्रजवासी ऐसे करने लगे तो इंद्र को क्रोध आया और फिर उन्होंने बहुत सारी वर्षा
बिहारी, और इतने सारे वर्षा से भगवान ने ब्रजवासियों को, वृंदावन के वासियों को, सबको इस प्रलयकारी वर्षा से बचाया, गोवर्धन पर्वत उठाने उठाया। तो ये लीला जो है हम सब जानते हैं, तो उसका जो ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। जो ये अनियोर जगह है, और वहाँ पे राव जी बलराम जी का भी मंदिर है, सुंदर दर्शन है। बलराम जी इतने बड़े आए, इतने शेर इतने सेफ आया। ओके, सो दिस हम लोग ने देखा ये इस्कॉन प्रकृति ध्यान निवर्तन हिल है गोवर्धन पे, और यह कुछ क्षेत्र, और यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये तो शायद नहीं है, वो तो शायद था। ओके, हाँ यहाँ पे आते हैं। ये है राव जी बलराम जी का बहुत बड़े, और ये भी ब्रजनाथ जी ने स्थापित किया। 5 फुट ऊंची ऊंचे ये अर्च विग्रह है, और साइड में नीचे कृष्ण जी है। तो ये बहुत सुंदर दर्शन यहाँ पे है। तो अनियोर के पास ही है राव जी का मंदिर, बलराम जी का मंदिर है। आगे ये अनियोर इसीलिए है क्योंकि जब ये पूरा जो अन्नकूट वगैरह भगवान को अर्पित किया गया, तो भगवान साहब इतना अन्नकूट, मतलब इतने पहाड़ जैसे सब जो भोग लगाए गए, पूरी हलवा मिठाई सब प्रकार के जो व्यंजन इतने सारे थे, जितना भी वे इंद्र को अर्पित करती थी उससे भी अधिक जो है। और फिर भगवान ने गोवर्धन का रूप धारण किया, सब जो जितना भी भोग सब ब्रजवासियों ने जगह जगह से अपने घरों में से बना मना के लेके आए, और भगवान कहते हैं अनियोर अनियोर अनियोर, और लाओ और लाओ और लाओ, और भगवान खाते गए भगवान। वो इसीलिए ये स्थान का नाम और इस जगह का नाम अनियोर है, जहाँ पे अभी भी वो अन्नकूट या गोवर्धन पूजा वहीं पे होती है। तो बहुत सुंदर ये लीला भगवान करते कि किस प्रकार भगवान जितना भी हम प्रेम से उनको अर्पण करते हैं, वे स्वीकार करते हैं सबको, और वो आनंद देते हैं। तो भगवान सभी ब्रजवासियों को सिर्फ आनंद के कुंड में डुबा रहे, जैसे कि इस अनेक अनेक लीला करके। तो आगे यहाँ पे गोपाल प्रकट स्थली है, जहाँ पे माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी का ये जो अर्च विग्रह है वहाँ से प्रकट हुए। जब माधवेंद्रपुरी भी ब्रज में रहकर परिक्रमा करते थे, गोवर्धन की परिक्रमा करते थे, और जब वे गोविंद कुंड के पास आए तो वहाँ पे वो विश्राम कर रहे। हम भी जब जाते हैं तो गोविंद कुंड की बहुत रमणीक जगह है गोविंद कुंड, जहाँ पे विश्राम करते थे। और वे कभी भी जैसे कि हमारे जो महान आचार्य है, वे मधुपरी करके ही जो है खाते थे, उन्हें भी कुछ बनाते नहीं। तो उस समय एक सुंदर जो बालक है उनके ग्वाल उनके पास आया, और उन्होंने उनको एक दूध की मटकी दी कि आप बाबा आप ये दूध की मटकी स्वीकार करें, और
माधवेंद्रपुरी ने उस बालक को देखा तो इतना सुंदर और उतने आशक आकर्षित हुए, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ से आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं इस गांव अलियोर में रहता हूँ और कुछ जो गोपियां हैं इस वृक्ष में जो रहती हैं, ये माताएं, वो उनको जब वे कुएं से जल लेने जाती थी तो आपको देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करो वहाँ पे ये बाबा है तो उनको जाके दूध दे, तो मैं ये दूध देने के लिए आ गया। तो जब वो उन्होंने ऐसे कहा और उन्होंने कहा कि मैं बाद में वापस आऊँगा और ये जो मटका है मैं वो वापस ले लूँगा। जब माधवेंद्रपुरी ने उस दूध को पिया उनको इतना आनंद आया और उसने सोचा कि अभी जरूर ये बालक वापस आएगा, तो उन्होंने उसको ढूंढ कर रखा लेकिन वो बालक आया ही नहीं। और इस प्रकार से वे हरि नाम करने लगे और वे सो गए। और जब वे सो गए तो उनके सपने में वही बालक आया। वह बालक आया और उनका हाथ पकड़कर उनको ये जो एक घने झाड़ियों में पास होने गए और उन्होंने कहा कि मैं ये मेरा रहने का स्थान है, और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ठंड भी लगती है, कभी कभी वर्षा भी होती है, कभी हवा भी बहुत चलती है, कभी धूप तो भी बहुत ज्यादा होता है, तो मैं बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। और उन्होंने माधवेंद्र पुरी को कहा कि आप जो है कुछ जो इस गांव वासियों को लेकर मुझे इस झाड़ी से निकालिए और इस पर्वत के ऊपर एक मंदिर बना दीजिए। और उन्होंने कहा कि मेरा नाम गोपाल है और मैं इस गोवर्धन गिरधारी हूँ, मैं ही इस गोवर्धन को उठाया, तो इसीलिए मैंने आपको देखा और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मुझे यहाँ से निकालें। तो तब उनका सपने से जाग गए और सपना टूट गया। तब माधवेंद्रपुरी ने देखा कि अरे ये तो जो लड़का आया था वो भगवान स्वयं था, वे अश्रु बहाने लगे और फिर उन्होंने जो आदेश सपने में भगवान ने दिया था उन्होंने वैसे ही किया। सभी ब्रजवासियों को, सभी गांव वासियों को बुलाकर और वहाँ लेके गए और यहाँ पे उन्होंने कहा कि गाय है जो हर रोज आके दूध देती है, तो सब वासी आए और उन्होंने वहाँ से गोपाल जी की जो अर्च विग्रह थी उनको निकाल कर ऊपर पर्वत के ऊपर लेके गए, गोवर्धन पर्वत के ऊपर, और वहाँ पे एक अच्छा सा आसन बनाकर उन्होंने उनका अभिषेक किया और उनको उधर स्थापित किया। और वे अभिषेक में 900 जल के जो कलश है वो लाके वे गोविंद कुंड से लाकर श्री गोपाल जी के ऊपर उन्होंने अभिषेक किया और बहुत सारा कीर्तन और भजन करते हुए और गोपाल जी के शरीर को भी बहुत अच्छे से जो है तेल वगैरह सुगंधित और तेल से इस प्रकार से
अच्छे वस्त्र पहनाकर उन्होंने फिर बहुत अच्छा आरती और भोग अर्पण किया। और इस प्रकार से माधवेंद्र की लीला जो है, और ये गोपाल जी, गोपाल राजा को वहाँ पे स्थापित किया गया। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए, वहाँ आए तो ये जो है उन्होंने कहा कि मैं ऊपर नहीं जाऊँगा दर्शन लेने के लिए, क्योंकि मैं गोवर्धन स्वयं भगवान है, उसके ऊपर मैं चढ़ के नहीं जाऊँगा, मैं अपने चरण उनके ऊपर नहीं। तो इसीलिए हम जो भक्त हैं श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव जो है, वे कभी भी गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ते, ऊपर चढ़ते नहीं, मंदिर जो ऊपर है वो जाते नहीं है। और माधवेंद्र पुरी जो है वे परम गुरु है श्री चैतन्य महाप्रभु के, और उन्होंने जब वो ऊपर ले गए, और जब माधवेंद्रपुरी ने सोचा और भगवान ने जाना कि श्री चैतन्य महाप्रभु और सब गौड़ीय वैष्णव पर नहीं जाएंगे, तो भगवान ने एक चाल रचाई कि ये जो पठान पठान के जो सैनिक है वो अनियोर के ऊपर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो भगवान को फिर वहाँ से वहाँ पे नीचे ले आए, और नीचे ले आए। और फिर से जब औरंगजेब का जो आक्रमण हुआ, तो ये गोपाल जी नाटबारा ले गए, और यही है गोपाल जी, उनका सुंदर रूप ऊपर गोवर्धन उठाते हुए, तो ये जो श्रीनाथ जी, उनका नाम श्रीनाथ जी पड़ा। और ये गोपाल जी अभी जो है नाटवारा में है, और वल्लभाचार्य के जो संप्रदाय के वे सब जो है इस सुंदर इस प्रकार से भगवान नीचे आ गए, ताकि सब जो है वैष्णव गौड़ीय वैष्णव भक्त उनका दर्शन करें। तो वो स्थान अभी भी है जो पर है गोवर्धन के ऊपर, पर भगवान कहाँ है नाथद्वारा में, और भगवान की सुंदर लीला और सुंदर पूजा सेवा वहाँ पे बहुत प्रेम से किया जाता है वाराणसी द्वारा में। अगर आप लोग गए हैं तो जाना बहुत जरूरी है, बहुत सुंदर दर्शन हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे चलते चलते बहुत सारे स्थान हैं, ये गोपाल जी के प्रकट स्थान हैं जहाँ भगवान श्रीनाथ जी वहीं से प्रकट हुए। बहुत सारे कुंड भी है पूरे गोवर्धन में, जैसे कि शंकरशन कुंड है, गौरी कुंड है, और सुरभि वन भी है जो अभी हम सब तो नहीं जा सकेंगे। आगे तो सबसे अच्छा स्थान जो है गोविंद कुंड, गोविंद कुंड बहुत अच्छा है। जब ये गोविंद कुंड वही है जिसका जहाँ जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया था, और फिर जो इंद्र को लगा कि मैंने बहुत अपराध किया है भगवान को, तो वहाँ पे भगवान का अभिषेक किया गया। तो वो जो ये कुंड है जो जहाँ से वो भगवान का अभिषेक किया गया, और असुर भी गाय ने अपने दूध से भगवान का अभिषेक किया, और इंद्र जी के जो वाहन वाहन है ऐरावत ने अपने सुंड से बहुत सुंदर रूप से भगवान का अभिषेक किया, स्वर्ग की गंगा जी के जल से। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लीला
यहाँ पे, और इस गोविंद कुंड का काकतीय, और वहीं पे माँ देवेंद्रपुरी का भजन कुटीर भी हम देखते हैं, गोपाल जी का मंदिर भी ऊपर है, और बहुत सारा अच्छे स्थान है। जैसे जैसे हम आगे चलते जाते हैं, नौका दाऊ जी का भी यहाँ पे स्थली है, बलराम जी की स्थली, अप्सरा वन है, और बहुत सुंदर बाकी स्थान है, अप्सरा कुंड भी है, नरसिंह मंदिर भी है, नवल कुंड है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्थान है। और जैसे कि ये पूरा जो गोवर्धन है, एक मोर के रूप, पीकॉक का शेप है, तो पुछड़ी, तो उसका जो टेल है उसको पुछड़ी का लोटा, वो पुछड़ी का लोटा है। तो इस प्रकार से राधा कुंड, श्याम कुंड, उनकी नेत्र है, इस प्रकार से सब मुखार विंद वगैरह, जीवा भी है, जो हम राधा कुंड श्याम कुंड की अगर परिक्रमा करते हैं तो वहाँ पे हम ये सब स्थान देखते हैं। तो ये पुछड़ी का लोटा, ये लोटा बाबा भगवान का सखा, और उसके लिए पुछड़ी मतलब पूछ है इसकी, तो पुछड़ी का लोटा, तो यहाँ पे भगवान का सखा ये जो लोटा बाबा है वो वहाँ पे बैठे हैं, कि भगवान जब गए मथुरा तब वो राह देख रहे थे कि ये लौट के आएंगे, पर लौट के आएंगे तो रुके, अभी भी रुके भगवान, तो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी खीर बनाई, कि मैं खीर जो है भगवान को दूंगा, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं लौट के आऊँगा, मैं लौट के आऊँगा, और मैं दूसरे दिन ही वापस आ जाऊँगा। तो इस प्रकार से कि उन्होंने कहा कि हाँ जरूर आना, और जब तक आप नहीं आएंगे मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, यहीं पे रुका रहूंगा, और मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा भी नहीं। कृष्ण बलराम के लिए अभी भी लौटा पापा वहां पर रुके, तो इसके लिए पुछड़ी का लौटा, यहाँ पे बहुत सुंदर स्थान है। ये एक्चुअली हनुमान जी है, हनुमान जी के मुख्य रूप है, और उनका कलर रेड है शायद, मेरे पास है फोटो, देखा है कुछ निकालो, ये बलराम जी का हमने बताया था, ये गोपाल राजा का मंदिर, और ये शंकर्षण कुंड वगैरह जो भी है, गोविंद कुंड बहुत सुंदर कुंड है, और बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ गोवर्धन बहुत नजदीक से हम देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये मुखारविंद है, जो यहाँ से ही भगवान, कहा गया कि उन्होंने गोवर्धन को उठाया, भगवान का सुंदर मुख है इसलिए मुखारविंद, ये कुछ भी कर लेता। तो बहुत अच्छा स्थान है, कुछ भी कर, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे स्थान हैं, और हमने अपनी परिक्रमा कुसुम सरोवर से की, और कुसुम सरोवर से वापस आते आते हम जो है मुखारविंद से गुजरते गुजरते वहाँ पे वल्लभाचार्य की समाधि बैठक भी है, और बहुत सारे दूसरे कुंड भी है जो आते हैं रास्ते में, और एक परिक्रमा करते करते हम जो है उत्तम कुंड पहुँचते हैं, और सब भक्त लोग बहुत खुश हो जाते हैं, उद्धव कुंड आ गया, उद्धव कुंड आ गया, अभी बहुत नज़दीक है राधा कुंड, श्याम कुंड, तो ये उद्धव कुंड भी बहुत सुंदर कुंड है,
नंदव जी आए थे ब्रिज में भगवान का संदेश लेकर, तो उन्होंने गोपियों का प्रेम दिखा उनको, ऐसा लगा कि मुझे गोपियों के चरण की धूलि से मुझे अपने शरीर पे पूरा जो है लगाना है। और हम आगे पहले भी जान चुके हैं कि उद्धव जी गोवर्धन में ये लताएं घास ग्रास के रूप में, ताकि सभी जो गोपियों के, क्योंकि ये गोपियाँ उद्धव जी को भगवान के जैसे दिखते हैं, भगवान के मित्र है, भगवान के भाई है, तो वे नहीं चाहते, वो नहीं देती उनको अपने अपने चरणों का धूल। तो उद्धव ने सोचा कि मैं ऐसे ही लता बनकर यहाँ पे बीच में रहूंगा, ताकि गोपियाँ जो है मेरे पर चल के जाएगी, तो मुझे अपने आप जो है सिर पे उनका धूल प्राप्त होगा। तो ये उद्धवपुर बहुत सुंदर स्थान है। तो उद्धव जी होने पे कुसुम सरोवर में गुलमा लता के रूप में रहते हैं, ये उनका यहाँ पे कुंड भी है। अब उद्धव, जैसे ही हम उद्धवपुर से आगे बढ़ते हैं अपने परिक्रमा मार्ग से, तो हम पहुँचते हैं सबसे उत्तम स्थान में, राधा कुंड श्याम कुंड। तो ये राधा रानी का कुंड है, जहाँ पे सबसे दिव्य स्थान ये राधा कुंड है। राधा कुंड, ये श्रीमती राधा रानी, राधा कुंड का दर्शन लेना मतलब स्वयं श्रीमती राधा रानी का दर्शन प्राप्त करना, ये महत्वपूर्ण जगह है। बहुत सारे हमारे जो आचार्य है, जैसे कि रघुनंदन दास गोस्वामी है, और ये सब बहुत सारे आचार्य राधा कुंड में रहकर अपना भजन करते हैं। और रघुनंदन दास गोस्वामी और कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उन्होंने कहा कि अगर कोई एक बार भी राधा कुंड में स्नान करता है, तो अपने जीवन में एक बार भी अगर करे, तो भगवान की कृपा बहुत जल्दी बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है। और भगवान के प्रति श्रीमती राधा रानी को जैसे ही हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है, तो हम जानते हैं कि जब भगवान ने अरिष्टत्रसुर जो का वध किया, जो वे आए इस स्थान पे, और वे राधा रानी से अपने मधुर रस रास करने के लिए, तो राधा रानी ने कहा कि नहीं, मेरे नजदीक नहीं हो आओ, क्योंकि आपने पाप किया है। एक बैल की हत्या करके आपने क्या किया, पाप किया है, तो आप पापी हैं। पर भगवान ने कहा, लेकिन ये जो असुर था, मुझे उसका वध करना ही था। राजा रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तो अगर तुम मुझसे पाप करना चाहते हो, तो आपके जितने भी तीर्थ स्थान है, जितनी भी नदियां हैं, सभी दिव्य नदियों में, पूरे जितने भी ब्रह्मांड, तीनों लोकों में जितनी भी नदियां हैं, उनको उसमें जाकर स्नान करके फिर तुम मुझसे बात कर। तो भगवान तो ऋषि को छोड़ने नहीं चाहते, पर भगवान सर्वशक्तिशाली है,
अपने चरण को ऐसे धस दिया जमीन में, और वहां पे एक छेद हो गया, और उस छेद उन्होंने सभी जितनी भी दिव्य नदियां हैं उन्होंने उनको आवाहन किया, और सब जो नदियां हैं वे सब वहां पे प्रकट हो गई भगवान के साथ हाथ जोड़कर। और इस प्रकार से भगवान ने श्याम कुंड को प्रकट किया, और उसमें स्नान करके श्रीमती राधा रानी के सामने आके श्यामने भी किया, हम सब स्नान, हम तो पवित्र हो गए अभी। तब श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि नहीं, आप बहुत घमंडी है, आपने ऐसा किया, हम अपना कुंड बनाए। और भगवान ने उनको ऐसे कहा कि अभी आप जो है आप सब भी इस कुंड में स्नान करो, और इस कुंड में स्नान करके आप भी सब पवित्र हो जाओगे, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने क्या असुर का साथ दिया है, आपने असुर का साथ दिया है तो आप लोग भी पाप की भागीदारी है। तो अब मैं ये श्याम कुंड में, तो गोपियाँ ने कहा नहीं, हम अपना खुद का कुंड बनाएंगे। तो उन्होंने इस प्रकार से कोशिश की, उन्होंने अपनी जो कंगन है उनको तोड़ तोड़ के खोदने लगे, पसीना पसीना हो गए। और फिर भगवान देख रहे हैं, भगवान इसका मजा ले रहे हैं, और फिर उन्होंने बड़ी लंबी लाइन बना के मानसी गंगा से वहां से सब जल ला के कोशिश की भरने की, लेकिन भगवान ने देखा तो इन लोगों को तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर भगवान ने कहा कि अच्छा अभी ठीक है, तो फिर भगवान ने एक इशारे से सभी नदियों का आह्वान किया उससे, और उन्होंने कहा कि अभी आप जो है इस कुंड को भर दो। तो इस प्रकार से कुंड भी भर दिया, और भगवान ने कहा कि मैं इस कुंड में स्नान करूंगा, और जो कोई भी इस कुंड में स्नान करेगा श्रीमती राधा रानी को, इसके लिए राधा कुंड होगी दिव्य है। और भगवान ने कहा कि जो कोई भी इस राधा कुंड में स्नान करेगा वो मेरे प्रति प्रेम, मेरे लिए प्रेम जागरूक करेगा जिस प्रकार की श्रीमती राधा रानी का प्रेम है। और फिर श्रीमती राधा रानी ने कहा कि हम भी, मैं भी आपके कुंड में स्नान करूंगी। तो श्रीमती राधा रानी ने भी श्याम कुंड में स्नान किया, भगवान ने राधा कुंड में स्नान किया, और इस प्रकार से राधा रानी ने भी वरदान दिया कि जो कोई भी श्याम कुंड में स्नान करेगा वो जो है भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करेगा जिस प्रकार से मेरा प्रेम भगवान के लिए। तो इसीलिए श्याम कुंड और राधा कुंड ये सुंदर लीला है, बहुत विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। तो अब हम राधा कुंड श्याम कुंड में आचमन करके, श्रीमती राधा रानी स्वयं राधा रानी है, भिन्न नहीं है, तो इसीलिए गौड़िया वैष्णव ज्यादातर उसमें ज्यादा स्नान ऐसे, कुछ भक्त लोग कभी कभी स्विमिंग वगैरह ऐसा नहीं करना चाहिए, श्रीमती राधा रानी है हमें आदर पूर्वक प्रार्थना करके हमारा जल लेके अपने ऊपर डालना है। तो इस प्रकार से राधा कुंड का दर्शन करके फिर धीरे धीरे हम फिर से अपने राधा कुंड का बस स्टैंड में पहुंच जाते हैं, और फिर वापस वृंदावन की ओर, मयूर से गोवर्धन की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, हरे कृष्णा।